नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर मंच से सरकार की उपलब्धियों का बखान सुनकर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक मंचों से सीएम और उनके मंत्री उपलब्धियों को गिनाते थक नहीं रहे, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कांग्रेस ने इस मामले में भाजपा का पुतला दहन कर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 14 सालों में क्षेत्र का विकास पिछड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता झूठ बोलने वालों को वोट की चोट से सबक सिखाएगी। सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी गंगा पंचौली के प्रचार को धार देने के लिए 2 LED रथ मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून से प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों में बाईं ओर 1 LED लगी है, बाकी 3 तरफ पंचौली के प्रचार के होर्डिंग लगे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि सल्ट उपचुनाव में जनता कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली को भारी मतों से जीत दिलाएगी। पौड़ी गढ़वाल के थाना सतपुली पर थाना क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों की ओर से ग्राम प्रहारियों के साथ थाना अध्यक्ष द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के जंगलों में लग रही आग को रोकने के विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल द्वारा सभी ग्राम प्रधानों और प्रहारियों को बताया गया कि आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हीकरण किया जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों की सूचना तत्काल थाने पर दी जाए, जिससे ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। श्रीनगर में मौसम ने करवट बदल ली है। सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ है, झमाझम बारिश भी रुक रुक कर हो रही है। लंबे समय से धधक रहे थे श्रीनगर के जंगल, लेकिन आग बुझती हुई नजर आ रही है। वन विभाग ने राहत की सांस ली है। बीते 2 हफ्तों से श्रीनगर, कीर्ति नगर समेत खीरसू, बढ़ियागढ़ के जंगलों में आग लगी हुई थी। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की फिर जुबान फिसल गई है। दरअसल हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मीडिया सेंटर में कुंभ से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण करने आए थे। वहां भावनाओं में बहते हुए उन्होंने बनारस में कुंभ होने की बात कह डाली, जिससे वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। भगवानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोली मारकर राहुल शर्मा की हत्या के आरोपियों को भगवानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा करते हुए SSP हरिद्वार ने बताया कि सिकंदरपुर के रहने वाले 2 अभियुक्तों ने राहुल शर्मा नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी जांच पड़ताल चल रही थी। जिसकी जांच में 2 आरोपी आए जो कि सिकंदरपुर के रहने वाले हैं। वहीं उनके द्वारा बताया भी गया है कि भगवानपुर मार्केट में ही बंटी नामक युवक कारतूस, कट्टे आदि बेचे जाने का काम करता था। उसकी सूचना पर बंटी को भी गिरफ्तार किया गया है और भट्टी के पास से 12 बोर का सामान बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि राहुल शर्मा की हत्या दोनों आरोपियों के द्वारा ही की गई है। प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व, सिंचाई, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबंधन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा विधानसभा स्थित कक्ष में संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, कुंभ मेला, पुलिस विभाग एवं अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड की देव संस्कृति को वैश्विक तथा भव्य रूप प्रदान करने के लिए देव डोलियों के कुंभ स्नान की सभी तैयारियां व्यवस्थित रूप से कराने के निर्देश दिए। मंत्री सतपाल महाराज ने देव डोलियों के कुंभ स्नान की विस्तारतीय शोभा यात्रा को ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक सभी जगह देव डोलियों के आवागमन से लेकर देव डोलियों के दर्शन के लिए आने वाले भक्तगणों के आवागमन, मंच, पंडाल, जलपान, सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, ताकि यहाँ आने वाले किसी भी यात्री को या फिर श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अंग्रेजी शराब की दुकान में शराब अनुज्ञापी अपनी मन मर्जी के मुताबिक ओवर रेट पर शराब बेच रहे हैं। साथ ही बात ओवर रेट तक सीमित हो तो इसकी भरपाई शराब के शौकीन बिना मोल भाव के लिए करा रहे थे, जिसका शराबियों को कोई मलाल नहीं। लेकिन वहीं शराब अनुज्ञापियों के द्वारा लोगों के जेबों पर अतिरिक्त भार तो डाला ही जा रहा था, लेकिन साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शराब बिना बिल के बेची जा रही है, जो कहीं ना कहीं शराब के काले कारोबार की ओर इशारा कर रही है। मसूरी में देर रात को चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए की कीमत का सामान पर हाथ साफ कर दिया, साथ ही साथ हजारों रुपए की नगदी भी ले उड़े, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि देर रात को मौसम खराब था, जिसका चोरों ने फायदा उठाकर स्कूल के गेट के पास एक दुकान के शटर के ताले तोड़ लिए और दुकान में रखा सारा सामान उठा लिया, साथ ही साथ नगदी भी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।